हमारा कतर का ट्रिप है, कमरे का ये हालत है और वो एक रोता हुआ बच्चा। म्यूजियम पे जाना था लेकिन हमने कैंसिल कर दिया। तो कहते मेरा करेले खाने का दिल कर रहा है, इधर बना भी दे। अच्छा नहीं, आपने लेनी है गाड़ी तो ले ले। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। कतर में पहला दिन तो यार बहुत ज़बरदस्त गुजरा। इतना कतर डेवलप्ड है कि आप यकीन करें, घूम फिर के मज़ा आ गया। लेकिन फिर अपने मुल्क के लिए हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मैं सोचती हूँ कि हमारे मुल्क को अब इस जगह पर होना चाहिए था, हम लोग भी ऐसे ही ग्रो करते। क्योंकि मेरे अबू जो है ना, वो गल्फ कंट्रीज़ में तकरीबन 10-12 साल रहे हैं, तो हमें बताते रहते थे यहाँ पर सिर्फ सेरा था, कुछ भी नहीं था। और आज आप देखें कि मैं कहती हूँ, चाहे 30 साल गुजरे हैं, चाहे 35 साल गुजरे हैं, चाहे 40 साल भी गुजरे हैं, लेकिन आज ये मुल्क कहाँ पहुँच गया। तो हमें भी अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि वहाँ पर भी इसी तरह ही विजिटर्स आए। इतना यहाँ पर रश है, इतने यहाँ पर विजिटर्स आते हैं। वीज़ा इनका ऑन अराइवल है, तब मिलेगा आपको अगर आप कतर एयरवेज से आएंगे। और कतर एयरवेज की एक बंदे की जो टिकट है वो रिटर्न 1.5 लाख की है। मैंने कहा साथ साथ मैं आप लोगों को डिटेल्स देती दूँ जाऊँ, ये ना हो कि फिर अचानक इकट्ठी डिटेल्स बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। वीज़ा इनका ऑन अराइवल है। और हाँ, एक ऐप से आपने जो है अपने होटल की बुकिंग करनी है। रुषा, वो कौन सा ऐप था? डिस्कवर कतर। ठीक है, booking.com से आपकी जो बुकिंग होगी होटल की, वो आपको उस पर वीज़ा नहीं मिलेगा। एक इनकी ये कंडीशन है, दूसरा इनका ये है कि डिस्कवर कतर से आपने बुकिंग करनी है या फिर हया ऐप से, और वो आपकी पेड बुकिंग हो, जस्ट बुकिंग ना हो। आपने पैसे भी वहाँ से पाकिस्तान से आप दे के आओ, और साथ में रिटर्न टिकट जो है वो 1 हफ्ते की। और फैमिली वीज़ा पे आप आओ तो आपको, सॉरी फैमिली के साथ आओ तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वीज़े की कोई फीस नहीं है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो आपको एजेंट्स पाकिस्तान में सही से नहीं बताएंगे। तो खैर, होटल भी हमें बहुत अच्छा मिल गया, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। नाश्ता हमने इनका नहीं लिया क्योंकि एक तो इनका अरेबिक नाश्ता होता है और दूसरा ना बहुत एक्सपेंसिव था नाश्ता। यहाँ पर साथ बहुत से होटल हैं, वहाँ से मंगवा लेते हैं। और आज हमने एक्सप्लोर करना है मजीद कतर को। तो आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पहले मैं कपड़े शपड़े इस्त्री करती हूँ। आयरन स्टैंड मैंने यहाँ पे मंगवा लिया, ठीक है। और रूम में ठीक ठाक खिलारा पड़ा हुआ है। मैं दूसरा रूम भी आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारा कतर का ट्रिप है, कमरे का ये हालत है और वो एक रोता हुआ बच्चा। अफजा को सिर्फ ये हुआ है कि पापा कहीं बाहर घूमने गए हैं तो यहाँ पे से पापा ने बिठा दिया। ये सही देसी फैमिली ट्रिप है। ये जी, मैंने अपना और रूषा का जो ड्रेस है वो इस्त्री करके यहाँ पर हैंग कर दिया है। हमजा का वहाँ पर रख दिया, अपने हस्बैंड का भी उनके रूम में भेज दिया है। आज हम थोड़ा सा जो है वो ये डिफरेंट वाला, ये वाला ड्रेसिंग जो है हम करेंगे, क्योंकि हमने म्यूजियम जाने और भी कुछ जगह है। रूषा ने पूरा एक ना वो किया हुआ था, लाइक क्या होता है, ट्रिप सेट किया हुआ था कि हमने यहाँ यहाँ एक्सप्लोर करना है। ये है जी हमारा रूम और ये है सामने वाला दूसरा रूम, जो हमने दो रूम्स लिए हैं। अच्छा, होटल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे वाला होटल है। मेरे हस्बैंड भी जो है वो तैयार हो गए हैं। चलें जी, रूम ओपन हो गया। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही रूम है जैसा दूसरा है, ठीक है, वैसे ही दो इस तरह। और ये काफ़ी ज़्यादा हमें इकनॉमिकल जो है ना ये रूम मिला है, बहुत ज़्यादा यानी कि प्राइस नहीं है, ठीक है। पता नहीं आप कितनी है, मुझे अगर याद आ गई तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है जी। साथ इसके अटैच इस तरह वॉशरूम है और ये इस तरह करके ये रूम है। अभी मैं हो गई हूँ तैयार, बहुत अच्छा सा, बालों तक आके मेरी बस हो गई है। मैंने कहा बाल ना कल दोबारा से शैम्पू करके कुछ अच्छे से बनाएंगे। आज जो ड्रेस मैंने पहना है वो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहना है, और मेकअप मैंने किया है, और मैंने बीबी क्रीम ना ये पैटर्न्स ब्यूटी की यूज़ की है, बहुत अच्छी है। आप इसकी कवरी चेक करो, इतनी ज़बरदस्त है, स्वेट प्रूफ है, इसके अंदर SPF है और बहुत लाइट वेट है। इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल इसकी ना बटर ब्लेंडिंग है। और साथ में इनकी ये जो, अगर आप लोगों को स्किन सिर्फ ब्राइट करनी है तो आप इनकी जो है वो ले सकते हो मिरेकल सी क्रीम, इनको मैं साथ लेके आई हूँ। जो स्किन को ब्राइट करना है, छाइयाँ और दाग धब्बों से जान छुड़ानी है, तो इनका जो लिंक है चीज़ों का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हमजा खा रहा है कुछ ना नूडल्स वगैरह बना के। अभी बाहर निकलेंगे, अभी मौसम है यहाँ पे गर्म काला। हमने देखा कि कतर में इतने अरसे के बाद जो है वो बारिश हुई है, बहुत प्यारा। मैं आपको अभी अपना ना विंडो व्यू दिखाती हूँ और फिर हम इंशाल्लाह ताला फौरन निकलेंगे। रुशा, वो सामने बीच है, हाँ ये देखें है जी मेरी विंडो के सामने का व्यू। और वो मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो जो है ना वो बीच है। हाँ वो बीच ही है, एग्जैक्टली वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। मैं आज कल हम इतने चक्कर थे ना हमें, तो रुषा कह रही है वाकई बीच है, मैं कह रही हूँ वाकई बीच है। रूम की आप लोग इस टाइम कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर करें, आके सारा रूम सेट करेंगे जब आप तैयार होते ना, तो एंड पे इस तरह जो है वो हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने काफ्तान पहना है, मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इस दफ़ा काफ्तान पहनने को। तो खैर आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। रुषा ने भी आज काफ्तान पहना है क्योंकि आज हमने जाना है म्यूजियम, तो म्यूजियम के हवाले से ही हमने कोई ना कोई ड्रेसिंग करनी थी। ये वाला ड्रेस जो है ये लिया था शनाइर से, ठीक है, ये काफ्तान में है सिल्क में। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मामा, मेरा रहेगा। रुषा ने भी ऐसे ही ड्रेस, सिर्फ हल्के से ऊपर से बाल आपके सेट करने और आपको शूज भी अच्छे लग रहे हैं। इसलिए ये वाले पहने हैं क्योंकि मेरा सर्जरी जब से हुई है, डॉक्टर ने अभी मुझे 6 मंथ्स जो है ना उसने कहा था कि आपने हील नहीं पहननी, सारे स्लीपर या पंप्स में मिलूंगी,
ऑफ कोर्स इसके नीचे हील वगैरह होनी चाहिए थी लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने पहन सकी। सॉरी। रुशा का है ये वाला ड्रेस जो है क्रॉस स्टिच से, रुशा बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफ्तान स्टाइल में है इस तरह से करके और बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैंने हील कैरी की हुई है साथ, लेकिन एक्स्ट्रा जो सिंपल चप्पल मैंने हमजा के बैग में, वो मैंने पहले वो वाले जूते निकाले थे कि मैं वो पहनूं, वो बहुत ही बुड्ढे लग रहे थे तो फिर मैंने कहा नहीं स्लीपर्स पहनी थी चले नीचे। और लड़कों की मोजे हैं चाहे जो हो जाए हमजा, तो उसी सेम अपनी पेंट शर्ट में नीचे जॉगर्स पहन ली हमजा के, मैंने यही नहीं लिए थे। चलो हमजा एक्साइटेड हो जाने के लिए, बाबा किधर है, बाबा नीचे चले गए, वो हमें फोन भी कर रहे हैं कि आज नीचे नीचे आज देर हो रही है। हम लोग निकल पड़े हैं जी म्यूजियम के लिए, वैसे रुशा हम आधा घंटा ना पूरा लेट हो गए नहीं। कितना प्यारा सीन है वैसे यार, 15 मिनट पहले हम पहुंच जाते ना है तो हम साथ में सनकिस भी देख लेते सारा, बहुत ही जबरदस्त सीन है ना बशीर। देखिए सनसेट जो है वो भी हो गया, लेकिन इंतहाई कोई प्यारी जगह है। परुषा जो अपने बाबा की वीडियो बना रही है, लेकिन देखने वाली जगह है यार, लेकिन देर से आया थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये हो रहा है, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, दोनों साइड पर बीच है और क्रूजेज बहुत मजे की, अंदर नहीं जा रहे क्योंकि टाइम कम है। अभी हम लोग एक प्लान जो है वो कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शाम हो गई है, अभी हमने वो भी हमें म्यूजियम पे जाना था लेकिन हमने कैंसिल कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई और रात की वजह से हमारी इतनी अच्छी पिक्स नहीं बनी, लेकिन खैर यार है बहुत खूबसूरत, मज़ा आया ये जगह सारी देख के ना। कितनी कोई प्यारी जो है वो स्काईलाइन है, इतना मज़ा आ रहा है सब देख के, रुशा ड्रीमी लग रही है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये देख। और यहाँ पर हमने स्पेशल जो है वो गाड़ी रुकवाई है कि हमने ना ये वाला यार व्यू देखना हमजा, कितना कोई प्यारा है ना, व्हाट अ व्यू, मतलब मजा आ गया भाई ये वाला व्यू देख के है भाई, दिल खुश हो गया। रुशा मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों को सारा जो है वो बार बार दिखाऊं कि वाकई भाई बहुत ही खूबसूरत ये वाला व्यू है, कितनी मजे की हवा चल रही है। चले आगे भी जाते हैं जी, अब हम इस एरिया में पहुंचे, इसकी नाम की प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब सी है लेकिन ये मैंने आपको हाँ जी, ये जितनी तेज हवा है यहाँ पे कसम से ना हवा जो बात है, इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, मजा आ गया हाँ जी। अब जो है वो इधर हम आ गए हैं इस शॉप पर, हमने यहाँ से बैठ कर भी खाना ऑर्डर किया है ना, सही बात है। आज बस ये है कि हम निकले थोड़ा सा होटल से लेट है लेकिन अभी हमारा काफी और टाइम है, आराम से रह सकते हैं, समझ आ गई कि हमें टाइम से निकलना है। हाँ जी। और अभी अरुषा का और उसके बाबा का आ गया खाना, मैं और हमजा वेट करते हैं, आप लोग अच्छे रह गए, आप लोग का टाइम के साथ आ गया। अरुषा और उसके बाबा का खाना खत्म होता, शुक्र हमारा भी आ गया। अरुषा और उसके बाबा सोच रहे थे बस वाह, खाने के पीछे आप लोग ना। अच्छा वैसे इधर एक बात है, इधर खाने बहुत टेस्टी हैं। ये आप लोगों को शायद नजर आ रही हो कि अंदर कितनी ज्यादा फिशेज हैं, हमजा ने इतना पिज्जा खाया नहीं है जितना मछली जो खिला दी है ना, सच में सारा हमजा ने अपना से ज्यादा लेकिन मैंने पीस छोटे छोटे पीस हमने सारी आ गई, वो देखो खड़ी भी इधर ही है कि हमजा इधर है, जहाँ नजर जा रही है ज्यादा पिज्जा ये खा गई। मामा भी कहती है कि इनका फ्रूट ओरिजिनल है आर्टिफिशियल है मामा, और ये देखो ये सारे कटे कटाए देख लो, फ्रूट की कीमत कटने के बाद इनके काम हो गए जो बात, सारा तरफ यार इस लिहाज से पाकिस्तान सस्ता है। वैसे हम आप देख ले जोन से लेने हैं, मैं देख रही हूं सब्जियां ना लेने, मैं तो कहती हूं मेरा करेले खाने का दिल कर रहा है, मैं इधर बना भी देती हूं। अच्छा नहीं पता ना, मैंने अपार्टमेंट में जाए फायर नाम बच गया ना, मैंने तुम्हें एक मामा ठीक है। वाली कार कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। हमजा ने अपने जूस शूज सारे ले लिए है ना, बड़ी महंगी। अरुषा ने अपनी आइसक्रीम ले ली है, वाह जी। ये इन्होंने मुझे कहा था कि आपने लेनी है गाड़ी तो ले ले, मैंने कहा नहीं मुझे इतनी सस्ती गाड़ियां नहीं पसंद है ना, काफी ऑफर्स आई थी लेकिन मैंने मुझे सस्ती गाड़ियां, आपको पता मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां अच्छी लगती है। और ये देखो जरा क्या ही कोई हसीन यहाँ का व्यू है जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, ये बिल्कुल यूरोप टाइप इसका इंटीरियर है ना सारा, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त है। अब जब हम जाने लगे ना तब पीछे अरबी म्यूजिक लग गया है, पहले हमने इतना सब लोग कह रहे हैं कि रुशा तो तुम्हारा जो बात है वो डायलॉग बन गया। हमजा और उसके बाबा जो है वो वेट कर रहे हैं उसके क्या कहते हैं टैक्सी का, अभी हमने टैक्सी बुक करवाई है यार, इतने बड़ी औखी तो बड़ी महंगी जो टैक्सी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो इनका एयर फ्रेशनर है ना उधर भी वो बहुत अच्छा है, हर जगह अच्छा है ना, वही जबरदस्त बखूर टाइप, हाँ जी वो बहुत जबरदस्त है, इतनी फ्रेगरेंस है इतनी जबरदस्त वाली। चले जी आप जाके होटल में जो है
वो स्टे जाके रेस्ट करते हैं। कल का दिन जो होगा वो बड़ा एक्साइटेड होगा, और आज का भी ब्लॉग आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताई थी मेकअप की, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे कोड से जाके जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। और अभी तक देख लो, विदाउट एनी फिल्टर मेरा मेकअप नहीं ख़राब हुआ। अच्छी स्किन केयर, अच्छी जो है मेकअप, वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग पर। अच्छा, जहाँ पर जाती थी ना फाइन, यहाँ पर इतना ज़्यादा एक आदमी मुझे बता रहा था, कहता हम पे इस दफ़ा 3,000 रियाल जो है वो इस महीने हम पे फाइन हुआ है। रुशा इन्ने पैसे तो मैं नाल भी नहीं लेके आई। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और हमारी कैब जो है वो आ गई है। इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।